छोटू अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सैफ, और जैसा कि आप जानते हैं कि आप देख रहे हैं अपना मन पसंद शो जिसका नाम है इन द छोटू। छोटू आप सोच रहे होंगे कि ये खुली जगह पे मैं आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर और रोड पे कैसे आ गया। मैं आपको बताऊं कि मैं आज एक स्कूल विजिट कर चुका हूं, और ये स्कूल मैंने इसीलिए खास तौर पर विजिट किया है क्योंकि इस स्कूल के बहुत से बच्चों ने, टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने हमें SMS और ईमेल दिए, बेशुमार SMS और ईमेल किए थे कि प्लीज़ हम चाहते हैं कि आप आके हमारा स्कूल विजिट करें। तो इसीलिए हमने आज जो स्कूल विजिट किया है वो है किंगस्टोन कॉलेज। छोटू से मैं आपको बताऊँ, यहाँ स्कूल में हम लोग विजिट करेंगे, हम लोग छोटू से बातें करेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, छोटू उसकी क्लासेस में जाएंगे, मुझसे पूछेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करें, टीचर से बात होगी, प्रिंसिपल से भी बात होगी, और बहुत सी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी, हल्ला गुल्ला होगा, मस्ती मज़ा होगा और बहुत ही चीज़ें होंगी। लेकिन इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आपको मेरे साथ रहना होगा ताकि आप बेशुमार लगातार इंजॉय करते रहिएगा छोटू। तो मेरे साथ रहिएगा तो जाइएगा नहीं छोटू। मैं आपको बताऊँ कि आज जो हमने स्कूल विजिट किया है उसमें आई थिंक आपको थोड़ी सी गेम्स भी दिखेंगे, PT भी होगी, और मैंने सुनने में आया कि यहाँ पे क्विज कंपटीशन भी हो रहा है। तो छोटू आप मेरे साथ रहिएगा, खूब एंटरटेनमेंट यहाँ पर होगी, हल्ला गुल्ला होगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहना होगा। खबरदार जो TV का रिमोट उठाया बस मेरे साथ रहिएगा छोटू। मैं आपको स्कूल में लेके चल रहा हूँ, और स्कूल में चल के देखेंगे कि स्कूल में क्या क्या हो रहा है। और छोटू जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि अब मैं जा रहा हूँ स्कूल के अंदर, और आई थिंक यहाँ पर स्कूल की असेंबली हो रही है। छोटू साहब मेरे साथ रहिएगा, मैं अभी अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि हो क्या रहा है। और छोटू जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर असेंबली स्टार्ट हो रही है। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم آمين. Okay, I would like to call 4 poem students: Naga Dinusrat, Aliza, Fatma. Come on the stage. साथियों दोस्तों इल्म के तालिबो, साथियों दोस्तों इल्म के तालिबो, खूब मेहनत करो इल्म हासिल करो, खूब मेहनत करो इल्म हासिल करो, इल्म ही से मिले हैं खजाने यहाँ, इल्म ही से मिले हैं खजाने यहाँ, और हकीकत बने हैं फसाने यहाँ, और हकीकत बने हैं फसाने यहाँ, खूब मेहनत करो इल्म हासिल करो, खूब मेहनत करो इल्म हासिल करो, ये जो दुनिया में जो कुछ तरक्की हुई, ये जो दुनिया में जो कुछ तरक्की हुई, हकीकत में बरकत है तालीम की, हकीकत में बरकत है तालीम की, खूब मेहनत करो इल्म हासिल करो, खूब मेहनत करो इल्म हासिल करो, इल्म देकर ही आदम को भेजा गया, इल्म देकर ही आदम को भेजा गया, इल्म से ही जहां को सजाया, से इस जहां को सजाया गया, खूब मेहनत करो इल्म हासिल करो, खूब मेहनत करो इल्म हासिल करो, जैसे जैसे बढ़ी इल्म की रोशनी, जैसे जैसे बढ़ी इल्म की रोशनी, यानी हैवान से फिर बना आदमी, यानी हैवान से फिर बना, खूब मेहनत करो इल्म हासिल करो, खूब मेहनत करो इल्म हासिल करो, इल्म ही से तो इंसान इंसान है, इल्म ही से तो इंसान इंसान है, वरना इंसान बेमिसले हैवान है, वरना इंसान बेमिसले हैवान,
खूब मेहनत करो इल्म हासिल करो, खूब मेहनत करो इल्म हासिल करो, इल्म की हो बयां किस तरह खूबियां, इल्म की हो बयां किस तरह खूबियां, मिट गए फासले मिट गई दूरियां, गए फासले मिट गई दूरियां, खूब मेहनत करो इल्म हासिल करो, करो इल्म हासिल करो, मेरा पैगाम है बस यही दोस्तो, मेरा पैगाम है बस यही दोस्तो, पहले तालीम को तुम मुकम्मल करो, पहले तालीम को तुम मुकम्मल करो, साथियों दोस्तों इल्म के तालिबों, खूब मेहनत करो इल्म हासिल करो, खूब मेहनत करो इल्म हासिल करो। ओके, आई वुड लाइक टू कॉल फोर प्रे स्टूडेंट्स नेहल, नीता एंड मंतिशा, कम ऑन द स्टेज। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम मेरे वतन की जीनत, ओ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरे परवान की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरे परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्म से हो मुझको मोहब्बत या रब, इल्म की शम्म से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह उसी राह पे चलाना मुझको, नेक जो राह उसी राह पे चलाना मुझको, लपे आती तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, आग सर जमीन शाज़बाद की शरे हसीन शाज़बाद, तू निशाने अज़्मे आली शान अज़्मे पाकिस्तान, मरकज़े अकीम शाज़बाद, पाक सरज़मीन का निज़ाम, कुव्वते अकुव्वते अवाम, कौमुल सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शाज़बाद मंज़िले मुराद, परचमे सितारों हिलाश रहबरे तरक्कियों कमाल, तर्जुमाने बाजी शाने हाल जाने इस्तकबाल, साए खुदा ज़ुल जलाल।
1, 2, 3, 4. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ सर। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम फिजाउर रहमान अंसारी। तो सर आप ये पीटी रोज़ करवाते हैं? जी हाँ, ये रोज़ पीटी कराते हैं सुबह। ओके, तो सर मैंने बहुत से स्कूल में विजिट किया है, बहुत सी पीटीज देखी, लेकिन सबसे अलग पीटी है कि जिसमें ड्रम भी यूज़ हुआ है और माउथ ऑर्गन भी यूज़ हुआ है। तो सर आप क्या समझते हैं ये वाली पीटी क्यों कराते हैं? असल में बात यह है कि बच्चे जो हैं, बच्चों को एक्सरसाइज कराते हैं, उसके बाद थोड़ी इंटरटेनमेंट हो जाती है ताकि बच्चे म्यूजिक से भी बराबर हों, इसलिए मैं इसे करा रहा हूँ। बच्चे इंजॉय करते हैं, इसलिए सेहत बनाने के साथ अगर जो उनको खुशी मिले तो वो उसके साथ और सेहत बनने में ज़्यादा इजाफा हो। तो सर मुझे ये बताइए आप यहाँ पर कितने अरसे से हों, कितने अरसे से इनको करा रहे हैं? यहाँ तो तकरीबन मैं 6 साल है, बीच में ज़रा बीमार हो गए तो इस वजह से छोड़ देता कि गैप हो गया, फिर दोबारा सेहतमंद हो गए तो दोबारा आ गए। वैसे पीटी में करा रहा हूँ तकरीबन 31-32 साल से। जी हाँ, मुख्तलिफ स्कूलों में 31-32 साल हो, तो मतलब ये कोई छोटी बात नहीं, 31 साल बहुत होते हैं। आप इमेजिन करें कि हमारे जो सर हैं वो 31 साल से पीटी करा रहे हैं। ओके, तो सर जब पीटी चेंज होती है, जो कि बच्चों को नहीं मालूम होती है कि अब इस पीटी की क्या स्टेप्स हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि बच्चों को मालूम हो जाए कि अब ये स्टेप्स हैं, अब उनको ये करने हैं? तो स्टेप्स तो आपको पहले बताने होते होंगे, तो आप खुद ही स्टेप्स बताते हैं या किसी और से मतलब किसी और को परफॉर्म करके बुलवाते हैं? नहीं, मैं खुद इनको स्टेप सिखाता हूँ, किसी से गलती होती है तो उनको प्यार से समझा देता हूँ। कभी कभी स्टिक का भी ड्रावा देना पड़ता है तो बच्चे सैम की भी सही करने लगते हैं। तो सर ये जो अभी खड़े हुए हैं, ये आपने इनको क्यों बुला के पीटी करवाई? ये इसलिए कराए कि ये सीनियर हैं और इन बच्चों में सबसे अच्छी पीटी कराते हैं, तो उनको ही रहनुमा या लीडर बनाया जाता है, तो वो सही करेगा तो सारे बच्चे अपना आप ऑटोमेटिक सही करें। मुझे फिर किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे सिर्फ म्यूज़िक पे तवज्जो देनी होती, बाकी पीटी पे लीडर है, लीडर को फॉलो करते हैं सब बच्चे। ठीक सर, सर थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच, मैंने बहुत इन्जॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया, थैंक यू। तो छोटूस ये थे, आपने असेंबली में देखी होगी और यहाँ पे पीटी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, बहुत मुझे मज़ा आया, जैसे कि आपने देखा